गोल्डन ट्रायंगल यानी सुनहरा त्रिभुज। यह नाम सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह जितना अजीब है उससे कई ज़्यादा गुना यह खतरनाक है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, थाईलैंड और लाओस की सीमाएं जहां पर मिलती है, वहां पर मेकोंग और रुआक दो नदियों का संगम होता है। इसी त्रिभुजाकार आकृति के क्षेत्र को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। इस भौगोलिक क्षेत्र को यह नाम अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने दिया। यह क्षेत्र पूरे विश्व में अफीम, ड्रग माफिया, नशीले पदार्थों के निर्माण, तस्करी तथा अन्य गलत कामों के लिए पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। हालांकि 1950 से लेकर 1990 तक यह पहले स्थान पर था और इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। भारत के पड़ोस में ही इतने बड़े खतरनाक क्षेत्र के बनने के पीछे एक बहुत बड़ी रोचक कहानी है। यह कहानी शुरू होती है चाइना से। चीन के लोग कई शताब्दियों पहले से ही अफीम के औषधीय गुणों के बारे में जानते थे, लेकिन वे लोग अफीम का उपयोग करके दूसरे नशीली पदार्थों का निर्माण नहीं करते थे। 18वीं शताब्दी आते आते चीन में अफीम का उपयोग कर दूसरे प्रकार की नशीली दवाएं जैसे हेरोइन तथा अन्य पदार्थों का निर्माण होने लगा। इसमें यूरोपियों का बहुत बड़ा योगदान था। उस समय भारत में अंग्रेज भी आ चुके थे। भारत में अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी के युद्ध तथा 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया था। इसी समय में अंग्रेजों ने भारत में अफीम के उत्पादन को और ज़्यादा प्रमोट करना शुरू किया। पहले यह काम केवल इंडिविजुअल स्तर पर होता था, लेकिन अंग्रेजों ने आकर इसको एक बड़ा औद्योगिक रूप दिया। उन्होंने सीधे इस काम में अपना हाथ डालने के बजाय ऐसे कानून, ऐसे लॉज पास करना शुरू कर दिए जो अफीम की खेती को प्रमोट करते थे। इससे ये हुआ कि भारत में जो लोग खेती करते थे, अनाज उगाते थे, उन लोगों को मजबूर कर अफीम की खेती उगाई जाने लगी और इस अफीम को प्रोसेस करके अंग्रेज चीन में जाकर कई गुना ज़्यादा महंगे दामों में बेचा करते थे। उस समय चाइना में क्विंग डायनेस्टी का राज हुआ करता था। क्विंग डायनेस्टी को पहले तो इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उनको इससे इनडायरेक्ट टैक्स मिलता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे अफीम और अन्य नशीली पदार्थों का उपयोग चाइना में बढ़ने लगा तो चाइना के लोगों का मॉरल और नैतिक जो विकास था वह गिरने लगा। वहाँ पर डकैती बढ़ने लगी, लोग आपस में लड़ने लगे और नशे की धुत में कई सारे गलत काम वहाँ पर होने लगे। इसके बाद चाइना की क्विंग डायनेस्टी ने, वहाँ के राजा ने इस चीज़ पर रोक लगाने की कोशिश की। उसने इस चीज़ को अवैध ठहरा दिया। उस समय चाइना में कैंटन नामक एक फ्री ट्रेड जोन हुआ करता था जहाँ पर ट्रेड करना, व्यापार करना में काफ़ी आसानी होती थी। इसी क्षेत्र में अंग्रेजों ने अपने वेयर हाउसेज और अपने गोडाउन स्थापित किए थे जहाँ पर वह अफीम को इकट्ठा कर चाइना में आसानी से बेचते थे। इसमें उनका साथ कुछ लालची और ड्रग माफिया चाइनीज साथ देते थे। चीन के राजा ने अफीम और नशीले पदार्थों के इस व्यापार को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों के इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था तो अंग्रेज इसको रोकना नहीं चाहते थे। इसी कारण अंग्रेजों और चाइना के राजा के बीच मनमुटाव बढ़ने लगे। इसके बाद दो प्रसिद्ध युद्ध, दो अफीम युद्ध हुए। पहला युद्ध 1839 से 1842 के बीच लड़ा जाता है, जबकि दूसरा युद्ध 1856 और 1860 के बीच लड़ा जाता है। दोनों में यूरोपीय शक्तियों की विजय होती है क्योंकि यूरोपीय शक्तियाँ टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी एडवांस थी। हालांकि इसमें ब्रिटेन ही लड़ रहा था, लेकिन ब्रिटेन का साथ अन्य यूरोपीय शक्तियाँ भी दे रही थी। इसके बाद चाइना के राजा को युद्ध में पराजय होने के कारण अंग्रेजों के साथ कई अपमानजनक संधियाँ करनी पड़ी, जिसमें अंग्रेजों को अफीम के व्यापार तथा अन्य चीज़ों में रियायत दी गई, जिसके बाद चाइना में अफीम तथा नशीले पदार्थों की एकाएक बाढ़ सी आ गई। उस समय आलम यह था कि पूरे विश्व में चाइना अफीम तथा अन्य नशीली पदार्थों के निर्माण तथा उनको प्रोसेस करने में पहला हुआ करता था, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा समय तक चलने वाली नहीं थी। 1940 के बाद दो बड़ी घटनाएं होती हैं। पहली बड़ी घटना यह है कि 1940 के बाद दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन और यूरोपियों की शक्ति काफ़ी कम होने लगी और वहीं चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का राज हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता संभालते ही चाइना में अफीम और ड्रग तथा अन्य नशीले पदार्थों के व्यापार को बुरी तरह से बंद करना शुरू कर दिया। जो वहाँ के व्यापारी थे, ड्रग माफिया थे, उनको या तो फांसी दे दी गई या तो देश से निकाल दिया गया, तथा जहाँ पर अफीम की खेती होती थी उन क्षेत्रों को जला दिया गया या फिर दूसरे नए प्लांट और पौधों का वहाँ पर रोपण कर दिया गया। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के इस रवैये के बाद जो चाइना के ड्रग माफिया थे, जो वहाँ के ड्रग के व्यापारी थे, वे भागकर चाइना के दक्षिण में थाईलैंड, लाओस और म्यांमार के सीमा पर आने लगे, जो कि भविष्य में गोल्डन ट्रायंगल बनने वाला था। इसी क्षेत्र में आज म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, यह तीनों देश मिलकर गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं।
उस समय चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध कई एंटी कम्युनिस्ट पार्टियां भी खड़ी हुई थी, जिनको अमेरिका इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था क्योंकि अमेरिका वहां पर लोकतंत्र स्थापित करना चाहता था। ऐसी ही एक संस्था थी कुमिनतांग। कुमिनतांग भी इन ड्रग माफियाओं के साथ भागकर चाइना के दक्षिण में आ गई और वह इनको सपोर्ट करने लगा। कुमिनतांग पार्टी इस गोल्डन ट्रायंगल के क्षेत्र में आने के बाद ड्रग, नशीली तथा अन्य अवैध कार्यों को प्रमोट करने लगी क्योंकि इससे उसको धन की प्राप्ति होती थी, जिससे वह चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ सकती थी। धीरे धीरे कुमिनतांग पार्टी और अन्य ड्रग माफियाओं ने इन देशों की सीमाओं पर जो लोग पहले खेती करते थे उनको या तो पैसे का लालच देकर या फिर डरा धमका कर उनसे अफीम की खेती करना और अन्य नशीले पदार्थों को बनवाना शुरू कर दिया। इसी का परिणाम है कि यह त्रिभुजाकार क्षेत्र अभी वर्तमान में पूरे विश्व में इन गलत कामों के लिए दूसरे नंबर पर आता है। एक तो इस क्षेत्र में ऑलरेडी ये सारे कार्य चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर म्यांमार में 2021 में म्यांमार की सेना ने तख्तापलट कर दिया। सारे लोकतंत्र को तहस नहस कर म्यांमार की सेना ने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली, जिसके बाद इन सारे कामों में बढ़ोतरी होने लगी। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के अनुसार सन 2005 तक म्यांमार में करीब 430 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में अफीम की खेती की जाती थी। अफीम की खेती काटने के बाद गधों और घोड़ों पर रखकर इस अफीम को म्यांमार और थाईलैंड की सीमा पर ले जाया जाता था, जिसके बाद इस क्षेत्र में इसको प्रोसेस कर फाइनल प्रोडक्ट में बदलने के बाद बैंकॉक के जरिए यूरोप और अमेरिका तक पहुंचाया जाता था। इन सभी चीज़ों के लिए जो ज़रूरी केमिकल्स की ज़रूरत होती है उन चीज़ों में ज़्यादातर चीज़ें चाइना से खरीद ली जाती हैं और उसका कुछ पार्ट भारत से भी मंगाया जाता है। म्यांमार का सान नामक राज्य इन सभी गतिविधियों का केंद्र है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इन नशीली दवाओं को ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, यूरोप आदि क्षेत्रों में ले जाकर महंगे दामों में बेचा जाता है। इनके अनुसार 2019 में ड्रग माफियाओं को इस व्यापार से करीब $71 बिलियन का शुद्ध लाभ हुआ। वैसे तो पूरे विश्व में इस क्षेत्र के कारण खतरा है, लेकिन भारत इसके पड़ोसी होने के कारण इस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को होने की संभावना है। भारत की कई देशों के साथ सीमाएं हैं, जैसे चाइना, पाकिस्तान। वही म्यांमार भारत की सीमाओं में पांचवी सबसे बड़ी जो सीमा है वह म्यांमार के साथ है, जो लगभग 1643 किलोमीटर है। भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं म्यांमार के साथ टच होती है, जिसके कारण भारत में इन नशीली दवाओं का व्यापार करने में काफ़ी आसानी होती है। 1980 के बाद यह व्यापार भारत में इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि आज उत्तर पूर्वी राज्यों में अफीम तथा अन्य नशीली दवाएँ आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ तक कि उत्तर पूर्वी राज्यों में भी कुछ क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर अफीम तथा अन्य नशीले पदार्थों की खेती होती है उसको भी म्यांमार और थाईलैंड में ले जाकर प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद उसको या तो भारत में ले जाया जाता है या फिर अन्य देशों में इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इस क्षेत्र में उगाई गई नशीली दवाएँ गुवाहाटी, यहाँ तक कि भारत की राजधानी दिल्ली में भी इसकी कुछ खेपें देखी गई, जिससे खतरा साफ झलकता है। कई सारे ड्रग्स का उपभोग करने के लिए सिरिंज या फिर इंजेक्शन का यूज किया जाता है। जब कई लोग सेम सिरिंज से ड्रग लेते हैं तो उनमें HIV और एड्स फैलने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। इसके अलावा आज युद्ध की प्रकृति काफ़ी बदल रही है। सीधे सीमा पर युद्ध ना होकर आज कई सारे पड़ोसी देश भारत में इन गतिविधियों, इन अवैध गतिविधियों को प्रमोट करते हैं, जिससे भारत में इनस्टेबिलिटी बढ़े। इसलिए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। सो भारत की आंतरिक सुरक्षा में यह एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत के अंदर भी उत्तर पूर्वी राज्यों में खासकर इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमा की सुरक्षा के लिए असम राइफल्स नामक पैरामिलिट्री फोर्सेज को तैनात किया गया है, जो कि इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड के अंतर्गत कार्य करती है। इन उत्तर पूर्वी राज्यों का क्षेत्र पहाड़ी इलाके के अंदर आता है, जहाँ पर काफ़ी घने घने जंगल हैं और पटकाई बूम नामक क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ऊबड़ खाबड़ होने के कारण और घने जंगलों के होने के कारण यहाँ पर कनेक्टिविटी काफ़ी कम है। जो भी यहाँ पर रेल, रोड आदि बनाई जाती है वह बारिश के कारण, भूस्खलन के कारण या फिर भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण सेना की यहाँ पर तैनाती करना और यहाँ की निगरानी करना काफ़ी कठिन हो जाता है। दूसरी ओर जो लोग ड्रग माफिया होते हैं और अवैध कार्यों में लिप्त होते हैं, वे लोग सेना की मूवमेंट को स्टडी करते हैं, यानी भारतीय सेना और असम राइफल्स के जवान कहां कहां पर तैनाती करते हैं और वो किस समय कहां पर आते हैं, इस सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है। इस चीज़ में ड्रग माफियाओं की सहायता कई क्षेत्रीय लोग भी करते हैं,
जो या तो क्षेत्रवाद से प्रभावित होते हैं या फिर आपसी राज्यों का जो झगड़ा होता है उससे प्रभावित होता है, और कुछ ट्राइबल लोगों को बहला फुसला कर भी इसमें सहायता ली जाती है, जिसके बाद इन ड्रग माफियाओं की गैंग आसानी से सीमा पार व्यापार कर लेते हैं। इसके अलावा भारत और म्यांमार के संबंध काफ़ी फ्रेंडली हैं, जिस कारण से दोनों देशों की सीमाओं पर कोई ज़्यादा कठिन ताड़बाड़ या फिर फेंसिंग नहीं की गई है। यहाँ तक कि दोनों देशों ने यह समझ विकसित की है कि सीमा के 16 किलोमीटर के अंतर्गत दोनों देशों के लोग आपस में बिना किसी वीज़ा के मूवमेंट कर सकते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर कई लोग अवैध कार्यों में लिप्त होने लगते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि इस क्षेत्र के जो ड्रग माफिया हैं वो क्षेत्र की पुलिस आदि को घूस देकर या फिर कुछ ऐसा लालच देकर कई बार करप्शन में शामिल कर लेते हैं। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में यह देखा गया है, जिसके कारण इस व्यापार में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में एजुकेशन उस स्तर पर नहीं पहुँच पाई है, जिसके कारण वहाँ पर बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है, और कई राज्य तो आपस में भी लड़ते रहते हैं, जिस कारण इन लोगों को आसानी से बहला फुसलाकर उनको रोजगार का लालच देकर अवैध कार्यों में लिप्त करा लिया जाता है। कोविड-19 के आने के बाद तो कई लोगों के रोजगार छिन गए, कई लोग गरीबी में आ गए, जिसके कारण जॉब की कमी होने के कारण ये लोग आसानी से इन अवैध कार्यों में लिप्त होने लगते हैं। सो अंत में यहाँ पर कह सकते हैं कि इस अवैध ड्रग्स की तस्करी के कारण पूरे विश्व को खतरा है, क्योंकि इस तस्करी में डार्क वेब का प्रयोग किया जाता है, जिसको कंट्रोल करना काफ़ी कठिन होता है। इसलिए सभी देशों को आपस में मिलकर इस चीज़ के खिलाफ लड़ना होगा। सो इसी के साथ यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी का यह टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल है उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। यदि इस वीडियो से आपका नॉलेज इन्हेंस होता है तो आप इसको लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर हमको सपोर्ट कर सकते हैं।